पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रायबरेली जनपद से लापता दो नाबालिग युवतियों को एक युवक के साथ मुरादाबाद जीआरपी ने आज सुबह पद्मावत एक्सप्रेस से सकुशल बरामद कर लिया। एसपी जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा कर दिया। जनपद रायबरेली से दसवीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू और एक मुस्लिम युवती के स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत रायबरेली जनपद में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस सूचना पर मुरादाबाद जीआरपी भी अलर्ट मोड पर थी। आज सुबह चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पद्मावत एक्सप्रेस से दोनों स्कूल छात्राओं को शरीक नाम के युवक के साथ बरामद कर लिया। एसपी जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शरीक के साथ एक युवक है और जिसे लखनऊ में पकड़ लिया गया है। दोनों छात्राओं के परिजनों को सूचना भेज दी गई। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि हाल ही में लखीमपुर जनपद में हुई घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर थी, जिसके चलते इन तीनों को समय रहते बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान शरीक ने बताया कि इन्हें वो दिल्ली ले जा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? हमारे शारिक। कहाँ के रहने वाले और क्या क्यों पकड़े गए? जिला रायबरेली। पकड़े क्यों गए, क्या मामला? हम और हमारी वाइफ जो है जेबा, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसीलिए। वाइफ कैसे हुई जब शादी नहीं हुई तो? अभी सर होने वाली है, बता तो ये सर। दूसरी लड़की कौन है? दूसरी लड़की उनकी फ्रेंड है, वो जबरदस्ती हम लोगों के साथ चली आई थी। एक्चुअली लेट हो गए थे कल जाने में, तो वहाँ कहें घर वाले चिल्लाएंगे, तो वो चली आई, तो जेबा लेके चली आई थी। हम भी नहीं रोके। कितनी उम्र है, जानकारी है तुम्हें? कितनी उम्र की? सर उनकी एज तो नहीं मालूम है, और जेबा की एज मालूम है। कितनी, किस क्लास? जेबा 18 की है। किस क्लास में पढ़ती है? जेबा है स्कूल में। जेबा है स्कूल में। कल मतलब 15 सितंबर की रात को 10:30 बजे अनुभागीय कंट्रोल रूम मुरादाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई कि दो बच्चियां रायबरेली से गायब हो गई हैं। ये 10वीं कक्षा की छात्राएं थीं जो कि स्कूल से घर नहीं पहुंची थीं, जिसके संबंध में वहां पर एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का प्रकरण है, क्योंकि नाबालिग छात्राएं गायब थीं और उनको सकुशल बरामद करना यूपी पुलिस की प्राथमिकता थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इसको बहुत ही सीरियसली हैंडल किया गया। मेरे द्वारा पर्सनली सभी SHOs, सभी चौकी प्रभारियों को ब्रीफ किया गया कि हर तरह से बहुत अच्छा सघन चेकिंग अभियान चलाना है, और यदि ये महिलाएं, ये लड़कियां रिकवर होती हैं तो इन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी क्रम में रात को 2 बजे पद्मावत एक्सप्रेस जो आती है यहाँ पर मुरादाबाद में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसमें 3 लोग रिकवर हुए, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियाँ थीं और एक पुरुष इनके साथ था। इन्हें उतार लिया गया, इनसे पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा खुद को रायबरेली का होना बताया गया व जो उपरोक्त FIR है उससे संबंधित होना बताया गया। इस तरह से सकुशल बरामदगी इन बच्चियों की कर ली गई और इनके पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया, रायबरेली पुलिस को भी सूचित कर दिया गया, और बहुत टाइमली इनको रिकवर कर लिया गया, क्योंकि यह व्यक्ति शारिक इनको दिल्ली ले जाने वाला था, जो एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध था, किंतु इसको समय रहते हैंडल कर लिया गया। बच्चियां दोनों जो हैं वो स्कूल में पढ़ती हैं, 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। अजी, अभी आपने पूछताछ की होगी, लेकर क्यों जा रहा है, क्या पता है क्या? जो इसमें प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, उसमें एक बच्ची इनको पहले से, इस व्यक्ति को पहले से जानती है, और ये इसको बरगला कर और साथ में इसकी सहेली को भी बरगला कर अपने साथ ले जा रहा था। जो इसमें अभी पता चला है, इसमें एक और व्यक्ति जो कि शारिक का दोस्त है, वह इन्वॉल्व है, और वह संभवतः लखनऊ में है और उसको वहाँ की पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। देखिए, ये सब जांच के बिंदु हैं, विवेचना के बिंदु हैं। एक FIR इसमें ऑलरेडी पंजीकृत है, जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सब ज़रूर सामने आएंगे। बहरहाल बच्चियों को सकुशल रिकवर कर लिया गया है, बहुत टाइमली रिकवर कर लिया गया है। मैम, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा।